हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. सो लेट्स स्टार्ट. ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर इज टॉकिंग अबाउट टोटो व्हेन ही सी द मंकी, व्हेन ही सीज द मंकी मेकिंग सम मिसचीवियस एक्टिविटीज, लाइक ही हैज़ रिमूव्ड आउट posters from the wall. Given time, I'm sure that he could have tied the torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. It means he would have made a rope from the blazer pieces and then he escaped from the window se wo bach ke bhag gaya hota blazer ke katran se rope banakar. His presence in the house still a secret. The Toto was now transferred to a big case in the servants' quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably together. अब भी टोटो की प्रेजेंस ग्रैंडमदर के लिए सीक्रेट थी. अब उसको उस रूम से निकाल कर सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़े से केज के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर और भी ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स रहते थे. Sociably together. Sociably means they were living together happily, like a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, for a while my pet goat. ये सारे animals वहाँ पर रहते थे. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. अब क्योंकि वो पूरी रात जो अदर एनिमल्स हैं उनको सोने नहीं देता है तो ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे देहरादून से सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को भी साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट कंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. अनलकीली नरेटर उनके साथ नहीं जा पाया. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट afterward. लेकिन बाद में उन्होंने नरेटर को बताया. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. टोटो के लिए एक बिग ब्लैक कैनवास, कैनवास मीन लाइक एक मोटा सा कपड़ा होता है, तिरपाल जिसको कहते हैं. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. स्ट्रॉ एट द बॉटम, बॉटम में कुछ घास के तिनके बिछाए गए क्योंकि उसके लिए गदम बन जाए. बिकेम हिज न्यू अबॉड. अब उसकी नई जगह बन गई थी, वो नया घर बन गया था. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप. अब वहाँ से बैग को जब जिप लगा दी गई, बंद कर दिया गया, तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग. अब वो ओपनिंग से, बैग की ओपनिंग से अपना हाथ नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और ना ही वो अब उसे अपने दांतों से काट सकता था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट हैड ओनली द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर. अब वो क्या कर सकता था, या तो जो बैग है वो बार बार रोल हो सकता था या वो उछल सकता था. एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. अब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ थी जो उस बैग को देख रही थी उसने एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी थी क्राउड के अंदर. एक शो की तरह, एक एग्जीबिशन जैसे लगा हुआ हो, भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ पे. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. जितनी दूर सहारनपुर था उतनी दूर टोटो बैग के अंदर ही रहता है. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट रेलवे टर्नस्टाइल टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. ग्रिन मीन्स स्माइल. जैसे ही टिकट कलेक्टर आता है और दादाजी अपना टिकट दिखाते हैं तो टोटो क्या करता है, अपना फेस बाहर निकाल लेता है और ग्रिन एक स्माइल देता है उसको. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. अचानक से वो पीछे हटते हैं. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू. अब
ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड अचानक से सोचते हैं और ग्रैंडफादर को गुस्सा दिलाने के लिए, यानी कि उनको गुस्सा आ जाए, ये बात कहते हैं कि आपने एक डॉग रखा हुआ है एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको उसके हिसाब से ही पे करना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और ये प्रूव करने के लिए कि एक डॉग नहीं है, वो उसको बाहर निकालते हैं। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि मंकी को डॉग नहीं कहा जा सकता, और इवन एज अ क्वाड्रप्टिड, इवन एज अ क्वाड्रप्टिड, क्वाड्रप्टिड क्या होता है, क्वाड्रप्टिड होता है फोर लेग्ड, ना ही ये फोर लेग्ड है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड ₹3 वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसको ₹3 ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर को देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ओन बैग एंड टुक फ्रॉम द टिकट ओवर पेट टॉर्टोइस एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, तभी वो अपने बैग से टॉर्टोइस निकालते हैं कि इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप हर एक एनिमल के लिए चार्ज करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, prodded it with his forefingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no Charles, it's not a dog. अब वो क्या कहते हैं कि prodded होता है pushed, दबा कर उसे देखना, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें गुस्सा आता है तो वो टॉर्टोइस को बैग से निकालते हैं और कहते हैं कि बताओ इसके लिए कितना पे करना है। अब टिकट कलेक्टर नज़दीक से टॉर्टोइस को देखते हैं, उसको दबाकर देखते हैं उसकी फोर फिंगर्स से, एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, ट्रिम्फेंट मीन्स एक प्रभावशाली, रिजॉयसिंग, हैप्पी लुक देते हैं और कहते हैं कि नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द house where he had for a companion the family donkey Nana. अब उसको एक जगह दी जाती है, जब ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि टोटो भी यहाँ पर है, तो उसका जो कंपेनियन था वो था डंकी नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो grandfather देखने जाते हैं कि क्या वो comfortable है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब जैसे ही वो उन्हें देखने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि स्टेबल में उसको रखा गया था, स्टेबल होता है तबेला, apparent होता है विजिबल, halter होता है रोप। अब जो रोप थी उसको इतना खींचे हुए था डंकी जितनी दूर वो जा सकता था, हे से, हे होता है ग्रास जो उसको खाने के लिए डाली गई थी। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस होता है हिंड पार्ट ऑफ एन एनिमल विद फोर लेग्स, यानी कि उसकी पिछले टांगों के पास उसे थप्पड़ लगाते हैं। And she jogged back, dragging Toto with her. अब वो पीछे हट जाता है थोड़ा सा, moved suddenly, and he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. और वो उसको ज़ोर से उसके कानों को पकड़ लेता है अपने दांतों से। So we will continue it in the next video. Thank you.